अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टिलिटी सोसाइटी और छांव फाउंडेशन के सहयोग से फतेहाबाद रोड स्थित सिरौंज हैंगआउट कैफे में बच्चों के लिए इंग्लिश पोएट्री अड्डा का ऑनलाइन पोएट्री राइटिंग कोर्स लॉन्च किया गया। इस अवसर पर पुस्तक लेखिका डॉ. नीलांजना पाठक ने खंडेलवाल पर लिखी पुस्तक राइम एंड रीजन ए स्टडी ऑफ राजीव खंडेलवाल का ऑनलाइन विमोचन भी किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक कवि राजीव खंडेलवाल ने इंग्लिश राइटिंग के अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि भारतीय परिवेश में बच्चों के लिए इंग्लिश राइटिंग में अभी बहुत संभावनाएं हैं। बच्चों को इंग्लिश पोएट्री लिखना बहुत ही आसान लगता तो है, किंतु यह बच्चों का खेल नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बच्चों के लिए राइटिंग का जो कोर्स उन्होंने शुरू किया है वह निश्चित रूप से सभी आयु वर्ग के साहित्य सृजनों के लिए उपयोगी साबित होगा। कोर्स में सहभागी बनने के बाद पोएट्री राइटिंग करने वालों की तमाम जिज्ञासाओं का स्वयं ही समाधान मिल जाएगा। आज हमने तीन काम किए हैं। एक तो ऑनलाइन पोएट्री बच्चों को आगरा में सिखाने के लिए, ठीक है, आज एक पोर्टल खोला है। और दूसरा काम हमने ये किया कि डॉक्टर नीलांजना पाठक जो है जबलपुर की प्रोफेसर हैं, उन्होंने मेरे ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस बुक लिखी है, उसका विमोचन किया हमने आज। और अमृता विद्या ने उनको रिसर्च के लिए ऑनर किया है, सर्टिफिकेट देके मेरे माध्यम। हम लोगों ने एक तो सबसे पहले जो हम पोइट्री इंग्लिश पोइट्री अड्डा जो हम यहाँ फिरोज कैफ़े में किया करते थे उसको अब ऑनलाइन कर दिया है। और उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा सिखाने का वो राजीव खंडेलवाल जी डोनेट करेंगे छांव फाउंडेशन, जो ये शिरोज हैंगआउट चलाते हैं। और दूसरा, हमने राजीव खंडेलवाल जी के ऊपर एक किताब लिखी गई है, इसका हमने विमोचन किया। और डॉक्टर नीलांजना पाठक जो जबलपुर सेंट अलोशियस कॉलेज जबलपुर की हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट है, उन्होंने लिखी है जो राजीव खंडेलवाल जी ने अपनी पोइट्री लिखी उस पर रिसर्च करके उन्होंने एक क्रिटिक किताब लिखी है, तो उसका हमने विमोचन किया। और उसी उसमें संदर्भ में अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी ने उनको ऑनर किया है, डॉक्टर नीलांजना पाठक को। उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा उसको। राजीव खंडेलवाल हमारे शहर के स्थापित साहित्यकार हैं और इंग्लिश क्षेत्र के साहित्यकार हैं। अब बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो राजीव खंडेलवाल जी की इनकी बहुमूल्य उपलब्धि है, लगातार किताबें लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है वो शायद अकेले साहित्यकार हैं जिले के जिनकी जो रचना है, जिनका राइटिंग है उस पर और लोग भी शोध कर रहे हैं। तो एक अपने आप में एक अलग पहचान है राजीव खंडेलवाल जी की। और हमें उम्मीद है कि राजीव खंडेलवाल जी जो लिखते रहेंगे, पोइट्री उनका धर्म है लिखना, वो पोइट्री लिख रहे हैं, पोइट्री के काम आगे बढ़ा रहे हैं। पुस्तक की लेखिका जबलपुर निवासी डॉक्टर नीलांजना पाठक ने अपने वीडियो मैसेज में राजीव खंडेलवाल की सृजन परिकल्पना और रचनात्मक पक्ष की प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि आने वाला समय उत्कर्ष साहित्य सृजनों का होगा। Greetings of this day from me, Nilanjana Pathak, Jabalpur, to the audiences and poetry lovers at Agra. Reading rhyme and its reason is a detailed analysis of the what, the why, and the how of poetic creation presented by Sri Rajiv Khandelwal ji in the form of a fragrant bouquet of 52 different poems bunched together under one heading called Khandelwal's Poetic Process. Reading Rhyme and Its Reason is a critique that evaluates briefly how every poem, despite being different, is brought together under one broad canopy, offering a new insight into the nuances of poetic creation. जो पोएट्री राइटिंग को लेकर था, जिसके चार सेशन के आसपास लगभग कैफे में शिरोज हैंगआउट में हुए हैं, मगर क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और तमाम व्यस्तताओं को देखते हुए और डिस्टेंस को देखते हुए राजीव खंडेलवाल जी ने, सभी टीम के सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको हम ऑनलाइन ले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रीच तक ये प्रोग्राम पहुँचे और जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आगरा से बाहर जो लोग बैठे हैं, देश के बाहर या देश में जो लोग भी हैं बैठे कर सकते हैं। बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हम ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे बैठे हमें आना नहीं पड़ेगा और जो हम यहाँ पे आके सीखते हैं हम घर पर भी सीख सकते हैं और हमारा टाइम भी बहुत बचेगा और हमें बहुत कुछ सीखने को अलग अलग चीज़ें मिलेंगी।
कितना अच्छा मानते हैं अपने बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए इसको पोइट को। जो बच्चे आ नहीं सकते, जो बहुत बिजी हैं, वो घर पे बैठे बैठे थोड़ा टाइम निकाल के कर सकते हैं। बहुत अच्छा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, घर पे बैठे बैठे अपनी हॉबीज भी पूरी कर सकते हैं, नई नई चीजें भी। इस अवसर पर अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टलिटी सोसाइटी ने डॉक्टर नीलांजना पाठक को उनके नवीन अनुसंधान और विद्वतापूर्ण प्रकाशन के लिए सम्मानित किया। यह सम्मान राजीव खंडेलवाल ने संस्था के चेयरमैन डॉक्टर आर सी शर्मा से ग्रहण किया। कार्यक्रम में किताब के विमोचन और ऑनलाइन इंग्लिश पोएट्री अड्डा की लॉन्चिंग के अवसर पर डॉक्टर आर सी शर्मा, राजीव सक्सेना, अनिल शर्मा, आशीष शुक्ला और सरोज हैंगआउट एसिड अटैक पीड़ित सर्वाइवर्स मौजूद थी। मून न्यूज के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।